नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मणि में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं चित्रकूट धाम में हूँ। चित्रकूट एक पवित्र स्थल जहाँ भगवान राम एक लंबा समय व्यतीत किए थे। लगभग 12 वर्ष से अधिक उन्होंने भगवान राम ने यहाँ पर कुटिया बनाकर जिस चित्रकूट धाम में रहे, उसी चित्रकूट को घूमने आया हूँ। इसके बारे में मैं बहुत सारा वीडियो बनाकर आप लोग को दूंगा, लेकिन यह जो चित्रकूट है इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूँ। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जो बुंदेलखंड में पड़ता है। बुंदेलखंड में बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जिले पड़ते हैं, चित्रकूट, महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी आदि। तो यहाँ पर आने के बाद जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि बुंदेलखंड का यह जो क्षेत्र है चित्रकूट, इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी, धार्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इतना पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड एरिया है। मतलब कई यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों से मैं जो जांचा हूँ, देखा हूँ, पूछा हूँ, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, सच में जो कहा जाता है बुंदेलखंड में विकास नहीं हुआ है, तो वह सब कुछ अभी भी है, अभी अप्रासंगिक है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब इंसान, एक टूरिस्ट जब आ रहा है बस 2-4-5-10 घंटे के लिए या एक दिन के लिए, और वह उसका आकलन कर ले रहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा स्थिति है। और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह चित्रकूट, जहाँ भगवान राम के 12 वर्ष भगवान राम कुटिया बनाकर जहाँ रहे, जहाँ भगवान राम का घर था 12-13 वर्ष तक, 14 वर्ष में 7-12 वर्ष से अधिक समय उन्होंने, भगवान राम ने यहाँ पर चित्रकूट में व्यतीत किया था, कुटिया बनाकर व्यतीत किया था। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो बहुत कुछ है, ऐसी दिक्कतें हैं यहाँ पर, जैसे खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं आमतौर पर, वह भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लोगों के पास संसाधन ही नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, शायद इसीलिए वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। आइए मैं एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोग को करा दे रहा हूँ, देख लीजिए। आप लोग देख सकते हैं चित्रकूट धाम, चित्रकूट का एरिया है, बहुत छोटा ही है, और यहाँ पर छोटा सा जंक्शन है यहाँ पर चित्रकूट का, और छोटे मोटे यहाँ पर क्या बोलते हैं, गेस्ट हाउस आदि हैं लोगों को ठहरने के लिए। और देखिए, मैं सुबह निकला हुआ था कि शायद कुछ अच्छा नाश्ता हो जाएगा, जैसा बनारस में, प्रयागराज में, या गोरखपुर में, या बाकी अदर सिटी में कुछ बहुत सारे स्पेशल कुछ होते हैं जहाँ पर लोग कम से कम खा पी सकते हैं, अच्छी तरह से खा पी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा सा भी कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला, आप समझ ही सकते हैं, किसी तरह से चाय और बिस्किट मैं खाया हूँ। बाकी कुछ अगर मिला है, अगर जलपान की व्यवस्था भी रही है, तो कुछ उल्टा सीधा जो आमतौर पर लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो कुछ बहुत ही पिछड़ा एरिया है मेरे हिसाब से, और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वास्तव में पहले से ही पिछड़ा हुआ है, और या उसमें भी चित्रकूट इतना पीछे नहीं होना चाहिए, जो धार्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी। तो यह आप लोग देख सकते हैं बुंदेलखंड का यह क्षेत्र आमतौर पर, यहाँ पर कुछ विकास की गति कैसी है वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, और कुछ थोड़ा बहुत देखने से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा विकास नहीं हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोगों से पूछने पर भी लोग बहुत निराश थे। तो देख ही रहे हैं, जब आदमी को यहाँ पर जब अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है खाने का, पीने का, ठहरने का, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या आकलन किया जा सकता है। और बुंदेलखंड का जो एरिया होता है कुछ आमतौर पर मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश से बीमारू राज्यों में गणना होती है, बीमारू राज्य में बहुत सारे आते हैं, बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है, उड़ीसा आदि आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी बीमारू राज्यों में उत्तर प्रदेश का एक अलग ही स्थान है, उसको बीमारू राज्य से उतना काउंट नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग काउंट करते हैं, और काउंट इसलिए हो जाता है बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड की वजह से। ललितपुर, महोबा, झांसी आदि जो चित्रकूट आदि के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके वजह से काउंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर आप लोग देख रहे हैं विकास की गति यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगले ब्लॉग में मैं बुरा चित्रकूट दिखाऊंगा, भी बहुत धार्मिक स्थल है, यहाँ पर हनुमान धारा है, यहाँ पर अनुसुईया आश्रम है, यहाँ पर गुप्त गोदावरी है, और यहाँ पर कामतानाथ मंदिर है, बहुत सारे स्थल हैं, यहाँ पर लक्ष्मण चोटी है, और भी कई सारे स्थल हैं जिसका मैं भी नाम में शायद मुझे भूल रहा है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा आप लोग को और दिखाऊंगा। देखिए, धार्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी चित्रकूट की यह दशा होगी, चित्रकूट में विकास की गति इतनी धीमी होगी, मुझे तो इतना यकीन ही नहीं था। कम से कम इसे अप्रासंगिक नहीं मानना चाहिए, और उस समय तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए जहाँ प्रदेश में या सेंट्रल में ऐसे लोगों की सरकार है जो धर्म संस्कृति को ज़्यादा महत्व देते हैं, वहाँ इस स्थिति में यहाँ पर विकास की गति इतनी धीमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर सरकार को जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को, और
जिस तरह से मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, पूर्वांचल भी काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत विकास की गति को पकड़ा हुआ है और अवध में विकास है ही है, अवध के क्षेत्र में, उसी तरह से बुंदेलखंड में भी विकास की गति बढ़नी चाहिए और ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा आदि का जो क्षेत्र है वह भी विकास की गति से परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को।